हेलो एवरीवन, वेलकम टू द की कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का चौथा दिन और चौथे दिन के प्रसाद में हम बनाएंगे पीनट की कतले। बहुत ही इजी रेसिपी के साथ हमने आज बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की रेसिपी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगता है आज का तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, पीनट की कतले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं रोस्टेड पीनट्स जो रेडी अवेलेबल मिलते हैं, अनसॉल्टेड लेने हैं बिना नमक के। 125 ग्राम्स लिए मैंने। अगर कप के हिसाब से लेने हैं तो 1 कप लेना है यहाँ पे। आप घर के जो कच्चे सिंगदाने अगर घर में अवेलेबल है उसको भी आप अच्छे से रोस्ट करके ले सकते हो। 10 से 12 मिनट उसको रोस्ट कीजिएगा एंड उसको ठंडे होने पर इसके स्किन आपको रिमूव करनी है। सो इसकी स्किन रिमूव करके मैं इसको अच्छे से रेडी कर रही हूँ। इसको अच्छे से पहले साफ़ कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इसकी मैंने जो सारी स्किन थी वो रिमूव कर दी है एंड अभी इसमें हम काजू ऐड करने वाले हैं। काजू 50 ग्राम्स लिए हैं, यानी कि 1/4 कप लिए मैंने। अगर आपको स्किप करना है तो आप उतने ही पीनट्स ले सकते हो, यानी कि 50 ग्राम पीनट आप ज़्यादा लेके भी आपकी रेसिपी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन काजू से यहाँ पे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे काजू ऐड किए हैं। आप दोनों हाफ हाफ भी ले सकते हो, अगर आपको टोटली स्किप करना है तो भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, पीनट को हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। मिक्सर में जो पल्स मोड होता है उसमें ही हमको ग्राइंड करना है। ज़्यादा मिक्सर आपको चलाना है नहीं है, चालू बंद करते हुए आपको ये ग्राइंड कर लेना है, बिकॉज पीनट्स में भी फैट होता है। सो फैट अगर आप ज़्यादा मिक्सर को चलाएंगे तो उसमें से फैट रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमको नहीं करना है। सो मैंने चालू बंद करके मिक्सर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था एंड आप देख रहे हो यहाँ पर अच्छे से छान लेंगे हम। ये प्रोसेस आपको 2-3 बार करना होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसका पाउडर रेडी कर लिया है एंड हम इसमें हम ऐड करने वाले मिल्क पाउडर 20 ग्राम से, ये करीबन 2 टेबलस्पून मैंने लिया है। ये भी टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे हमारा थोड़ा सा टेस्ट जो है मिल्की आता है एंड वाइट भी थोड़ी बनती है हमारी कतली। सो मैंने यहाँ पर इसीलिए इसको ऐड किया है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा हमारा। सो इसको हम साइड में रखेंगे। एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है मैंने यहाँ पर एंड उसमें मैंने 1/2 कप शुगर ऐड किया है एंड ग्राम में देखोगे तो ये 100 ग्राम है और उसमें 1/4 कप पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। यहाँ पे हम एक तार की चाशनी बनाने वाले हैं। बहुत ही इजी है एक तार की चाशनी बनानी। मीडियम फ्लेम पे ही हमको अभी जो शुगर है उसको कुक करना है, गैस की फ्लेम है वो फास्ट नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, हमारी जो शुगर है अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है एंड इसको करीबन पकने में 5 to 6 मिनट्स लगते हैं। सो 6 मिनट्स के बाद में हम चेक करेंगे कि एक तारा हमारा बनता है कि नहीं होता है इसमें से। सो 6 मिनट्स के बाद मैंने यहाँ पे अभी गैस बंद कर दिया है एंड हम चेक करेंगे। हम स्पैचुला की हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि ये हुआ है कि नहीं है। सो आप देख रहे हो ये जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं शुगर के, वो रुक रुक के गिर रहे हैं एंड आप देख रहे हो इसमें एक तार बन रहा है। एंड इसको अगर आपको हाथ से चेक करना है फिंगर की हेल्प से, तो आपको यहाँ पे लेना है हाथ में एंड दो फिंगर के बीच में आपको, आप देख रहे हो यहाँ पे एक कंप्लीट एक तार बन रहा है, टूट भी नहीं रहा है ये बीच में से। सो इसका मतलब है ये कंप्लीट एक तार की चाशनी हो गई है। आप देख रहे हो अच्छा सा एक तार बन रहा है। सो हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है यहाँ पर एंड हमारा जो ड्राई इंग्रेडियंट्स था यानी कि पीनट का मिक्सर, वो हम ऐड करेंगे। अभी हमारा जो गैस का फ्लेम है वो हम बिल्कुल स्लो रख देंगे एंड इसको 2 मिनट स्लो फ्लेम पे ही मिक्स कर लेंगे। सो अच्छे से मैं इसको मिक्स कर ले हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे चाशनी रेडी होने के बाद अगर आप जब भी पीनट का मिक्सर ऐड करें, इसकी कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ये लूजी है अभी। सो अगर आपको लग रहा है ये आपका मिक्सर हार्ड हो गया है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड करके भी ये सही कर सकते हो, अगर आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं आई है तो। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा हार्ड हो गया है तो आप पानी या मिल्क डाल के भी उसको सही कर सकते हो। लास्ट में मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ। प्योर घी लिया है मैंने। घी ऐड करने से इसमें अच्छे से एक शाइन, एक लस्टर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी जो पीनट कतली का मिक्सर है वो रेडी हो गया है। इसी स्टेज पे आपको गैस बंद कर देना है। अगर आपको चेक करना है कि कतली का मिक्सर प्रॉपर हुआ है कि नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इसको निकाल लेना है एंड निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप हाथ में लेके इस तरह से चेक कर सकते हो। अगर वो चिपकता नहीं है हाथ में तो ये परफेक्ट रेडी है। आप देख रहे हो बिल्कुल ये स्टिक नहीं हो रहा है फिंगर्स में। सो ये रेडी था बिल्कुल एंड गैस बंद करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में
प्लेट को मैंने पहले से घी से ग्रीस कर लिया था एंड थोड़ा सा ठंडा हम इसमें करेंगे, करीबन जस्ट 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं करना है अदरवाइज़ ये हार्ड हो जाएगा। सो मैंने इसको 2 मिनट ठंडा करने के बाद एक प्लास्टिक में निकाल लिया है। प्लास्टिक को भी मैंने घी के साथ ग्रीस करके रखा था एंड थोड़ा सा इसको नीड करेंगे, ज़्यादा नीड नहीं करना है, थोड़ा सा इसको नीड करके हम इसको बेल लेंगे। सो थोड़ा सा राउंड शेप देके, आप स्क्वायर या राउंड कोई भी शेप में आप इसको बेल सकते हो। आप जब भी ये मिक्सर रेडी होता है आप डायरेक्ट थाली में भी डाल सकते हो तो भी ये अच्छे से सेट हो जाता है, लेकिन हम कतली बना रहे हो तो अच्छे से इसको हम बेलेंगे यहाँ पे, ताकि एक अच्छा सा इसको एक शेप मिले, कहीं से मोटा या कहीं से पतला नहीं रहेगा। इजी प्रोसेस अगर करना है तो थाली में भी डायरेक्ट आप कर सकते हो। थाली को ग्रीस कर लीजिएगा पहले एंड उसमें हमारा जब हमने मिक्सर बनाया उसी मिक्सर को आप थाली में डाल के भी अच्छे से सेट कर सकते हो। सो साइड से थोड़ा सा क्रैक हो रहा है, उसको सील करते हुए हम अच्छे से इसको बेल लेंगे यहाँ पे। अगर आपके पास सिलिकॉन मैट है तो उसमें भी आप ये रोल कर सकते हो। सो इसको मैंने अच्छे से रोल कर दिया है एंड जो सिल्वर वर्क आता है जो मिठाई के लिए स्पेशल, वो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। कुछ इसी तरह से हम इस पर अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे लगाने के बाद। डायरेक्ट हाथ यहाँ पे नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ वो हाथ में भी चिपक सकता है, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर नहीं लगाना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। एंड अभी हमारी जो कतली है उसको हम कट कर देंगे, तुरंत ही इसको कट करना है। आप चाहे कोई भी साइज़ कर सकते हो यहाँ पे। अभी हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो मैं छोटी छोटी ही बनाऊँगी, आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायमंड जो शेप होता है नॉर्मली कतली का वो ही मैं बना रही हूँ, आप स्क्वायर या राउंड कोई भी बना सकते हो अपने हिसाब से। सो अच्छे से मैंने इसके पीस कर लिए हैं। सो आप देख रहे हो हमारी कतली है वो रेडी हो गई है, इसको आपको कोई रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, ये तुरंत रेडी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।